स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, कल हमने एक्सरसाइज 43 क्वेश्चन में 43 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन में 44 में कह रहा है द ट्वाइस द सन सेज इन इयर्स एडेड टू द फादर सेज द सम इज 70 एंड बट इफ फादर ट्वाइस द फादर सेज एडेड टू द सन सेज द सम इज 95 फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन। लेट फादर की एज कितनी मानी हमने x, सन की एज कितनी मानी y। इफ ट्वाइस द सन सेज, सन की एज का ट्वाइस 2x, नहीं इफ द ट्वाइस द सन सेज एडेड टू द इफ ट्वाइस द सन सेज एडेड टू द फादर सेज, फादर की एज में सन की एज का ट्वाइस x प्लस टू वाई इक्वल टू कितना है 70। ट्वाइस द सन सेज एडेड टू द फादर सेज, तो फादर की एज x थी, सन की एज का ट्वाइस कितना होगा 2y, कितना हो गया उसका सम 70। उसके बाद कह रहे हैं इफ ट्वाइस द फादर सेज, फादर की एज का ट्वाइस 2x एडेड टू द सन सेज, सन सेज कितनी होगी भाई कितना आगे 95। दोनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक्स और वाई आ जाएगा। क्लियर, इजी क्वेश्चन है। सन की एज में फादर की एज में सन की एज का ट्वाइस ऐड किया तो कितना आया 70, फादर की एज के ट्वाइस में सन की एज ऐड किया तो कितना आया सम 95। दोनों को सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 45, इजी क्वेश्चन है। तो 45 भी इजी है, आप लोग बस एजेस वाले क्वेश्चन आपको फिनिश हो जाएंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमेन इज 3 इयर्स मोर देन ट्वाइस द देन 3 टाइम द एज ऑफ अ डॉटर। वुमेन की एज 3 साल ज्यादा है, किससे कंपैरिजन किया गया है 3 टाइम द एज ऑफ अ डॉटर, डॉटर के एज के 3 टाइम से 3 ईयर मोर है, तो हम डॉटर में 3 टाइम्स करेंगे और डॉटर में 3 प्लस करेंगे 3 ईयर्स एंड 3 साल बाद, तो 3 साल बाद वुमेन की एज हो जाएगी x प्लस 3 और डॉटर की हो जाएगी वाई प्लस 3। 3 ईयर्स एंड द वुमेन एज विल बी 10 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ अ डॉटर, डॉटर के ट्वाइस के 10 मोर है, तो वुमेन 10 मोर है तो वुमेन में नहीं करेंगे। लेट वुमेन सेज एक्स है, वुमेन सेज कितनी है एक्स और डॉटर की एज कितनी है वाई, डॉटर सेज कितनी है वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमेन, वुमेन की प्रेजेंट एज एक्स है, इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम द एज ऑफ अ डॉटर, डॉटर की एज का 3 टाइम्स करो 3y के, वुमेन की एज 3 ईयर मोर है किससे 3 टाइम द एज ऑफ अ डॉटर, वुमेन की 3 ज्यादा तो वुमेन में नहीं करेंगे डॉटर में 3 प्लस करेंगे, तो यह जगह x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमेन इज 3 ईयर मोर, 3 ईयर मोर है, 3 ईयर मोर देन 3 टाइम द एज ऑफ अ डॉटर, तो डॉटर का हमने 3 टाइम्स करा, वुमेन की 3 ज्यादा तो वुमेन में नहीं करा, दोनों चीज सन उसमें करेंगे डॉटर में। ऐसे नेक्स्ट में कह रहा है 3 ईयर हेंस, पहले 3 ईयर हेंस वुमेन की एज निकालो, 3 ईयर हेंस, 3 ईयर हेंस वुमेन से एज कितनी होगी x प्लस 3 और 3 ईयर हेंस डॉटर एज कितनी होगी y प्लस 3, 3 साल बाद वुमेन की एज x प्लस 3 होगी, डॉटर की y प्लस 3 होगी। अब ये कह रहा है कि 3 ईयर हेंस वुमेन से एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ अ डॉटर, वुमेन की एज 10 ज्यादा होगी किससे ट्वाइस द एज ऑफ अ डॉटर, डॉटर के ट्वाइस से, वुमेन की ज्यादा होगा तो वुमेन में नहीं करेंगे डॉटर में करेंगे, तो आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 2y प्लस 6 प्लस 10, आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 16 माइनस 3 कितना आएगा 13, ये क्वेश्चन नंबर 7। दोनों को सॉल्व करने का आंसर क्लियर, 3 ईयर हेंस वुमेन की एज हो गई x प्लस 3 और डॉटर की हो गई y प्लस 3, 3 ईयर हेंस वुमेन की एज डॉटर के ट्वाइस से 10 ज्यादा, तो डॉटर के ट्वाइस करा हमने उसमें 10 नोट प्लस कर दिया, अगेन x माइनस 2y इक्वल टू 13। ये आपके एजेस और मूवमेंट वाले क्वेश्चन खत्म होंगे, एजेस वाले 45। क्लियर है तक? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, 47, 48, 49, 50 तक इजी है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46. ऑन सेलिंग, सेलिंग का मतलब सेल प्राइस 80 सेट एट अ 5% लॉस, लॉस हुआ 5% का, मतलब अगर वो 100 रुपये की चीज़ खरीद के लाया तो 95 रुपये की चीज़, अगर एक्स पे ही खरीद के लाया तो एक्स का 5% उसमें निकालेंगे, उसको माइनस कर देंगे. एंड लेमन सेट 15% गेन, ए सॉलरी एक प्रॉपर्टी सेलर गेन 7 रुपीज़, उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 7 रुपये का. इफ ही सेल्स टी सेट एट 5% गेन, लेमन सेट 10% गेन, ही गेन 35 रुपीज़. फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट एंड द लेमन सेट. लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट कितनी है? रुपीज एक्स. कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट कितनी है? रुपीज वाई. उसकी एक्स और उसकी कितनी है? वाई है. ऑन सेलिंग इट टी सेट एट 5% लॉस, तो एक्स रुपए की खरीद के लाया, माइनस 5% ऑफ एक्स, 5% का उसे लॉस हुआ. अल्टीमेटली कितने रुपए की बेची उसने? एक्स माइनस 5% ऑफ एक्स प्लस 15% का उसे गेन हुआ, वाई प्लस 15% ऑफ वाई. ये तो उसकी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, हमें उसने दे रखा है टोटल गेन दे रखा है, तो हमें उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करनी पड़ेगी. माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 7. समझ में आया क्वेश्चन? देखो हमारे को क्या दे रखा है, एक्स रुपये की चीज़ खरीद के लाया, उसमें 5% का लॉस हुआ, तो एक्स माइनस 5% ऑफ एक्स प्लस वाई रुपये की चीज़ खरीद के लाया, उसमें 15% का प्रॉफिट हुआ. ये भी इसकी सेलिंग प्राइस आई है टी सेट की, ये लेमन सेट की टी सेट वो एक्स सेलिंग प्राइस, लेकिन हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट दे रखा है बस उसने, तो हमने सेलिंग प्राइस में से उसकी कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी. सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस क्या कर दी? माइनस. तो अल्टीमेटली बस गेन आ गया. तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस 5 × x / 100 प्लस वाई माइनस 15 × y / 100 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 7. तो एक काम करते हैं, इसे एक्स एक्स कर देगा, वाई से वाई कर देगा, एक्स माइनस के 5 × x / 100 प्लस वाई प्लस 15 × y / 100 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 7. वाई से वाई कैंसिल, ये आ गया 100 रुपये चल जाएगा, माइनस के 5x प्लस 15y इक्वल्स टू 700 डिवाइड बाई 5. 5 × 5 बचे कितने? 2 × 5 = 20. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया. माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 140. माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 140. क्लियर? एक्स रुपये की आइटम हम खरीद के लाए टी सेट, उसमें 5% का लॉस हो तो 5% माइनस कर दिया, प्लस 5% की हम लेमन सेट खरीद के लाए, लेमन सेट में कितने का प्रॉफिट हुआ? 15% का. ये सेलिंग प्राइस है टी सेट की, ये सेलिंग प्राइस है लेमन सेट की, लेकिन हमें प्रॉफिट दे रखा है, तो जो सेलिंग प्राइस में से हमारी कॉस्ट प्राइस है वो माइनस करेंगे. कॉस्ट प्राइस हमारी एक्स, जो माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7, या जाएगा एक्स माइनस 5% ऑफ एक्स, 5 × x / 100 वाई प्लस 15 y / 100 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, या आगे माइनस के 5x प्लस के 15y, 100 उधर चले के 5 से डिवाइड. क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है द लेमन सेट, इफ ही सेल द सेट लेमन सेट टी सेट 5% गेन, लेमन सेट 10% गेन, ही गेन 13 रुपीज़. तो कहाँ बनाए दूसरी इक्वेशन? इधर बनाए. ओके, कॉस्ट ऑफ टी सेट कितना है? एक्स. कॉस्ट ऑफ लेमन सेट कितना है? वाई. तो एक्स माइनस 5% ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 15% ऑफ वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस था, ये भी सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस में से दोनों की कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी, तो अल्टीमेटली गेन आ गया, उससे फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपके पास. नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है, इफ यू सेल द टी सेट 5% गेन एंड लेमन सेट 10% गेन, तो एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स, वाई प्लस 10% ऑफ वाई. एक्स रुपये की चीज़ खरीद के लाया, उस पर 5% का प्रॉफिट हुआ, वाई रुपये की चीज़ खरीदी उस पर 10% का प्रॉफिट हुआ, तो ये उसकी सेलिंग प्राइस आ गई. माइनस एक्स माइनस वाई उसकी कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, इक्वल्स टू 13 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. तो एक्स एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, 5 × x / 100
प्लस 10 इनटू y अपॉन 100 इक्वल्स टू 13 क्या जाएगा 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 1300 5 से डिवाइड करेंगे x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 टू 10 बच जाएगा 3 5 6 30 ये सेकंड इक्वेशन क्लियर उसे 5% का तो प्रॉफिट हुआ अगली बार और 10% का ट्रिक लेमन सेट पे तो 5x रुपए की खरीद के लाए x प्लस 5% ऑफ x प्लस y प्लस 10% ऑफ y ये उसकी सेलिंग प्राइस है ये भी सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस दोनों की माइनस कर दी इक्वल टू कितना है 13 तो यह गया x प्लस 5% ऑफ x x कैंसिल y से y कैंसिल 5 इंटू x अपॉन 100 10 इंटू y अपॉन 100 5 से डिवाइड कर दिया नेक्स्ट इक्वेशन आ गई x प्लस 2y इक्वल टू 260 दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा ये सेलिंग प्राइस आई थी ये भी सेलिंग प्राइस थी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया तब प्रॉफिट आया क्लियर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 47 से कंटिन्यू करेंगे 47 48 49 50 थैंक यू